सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने नजर सानी दरख्वास्त वापस ले ली। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन इकरामुल्ला जोया से। इकरामुल्ला जोया बताइएगा, बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर स्पीकर रूलिंग केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत है। जस्टिस मसूर अली शाह की सरबराही में पांच रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदखिल इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अतर मुनल्ला भी इस पांच रुकनी बेंच के लार्जर बेंच में शामिल थे। बानी पीटीआई ने दरखास्त वापस लेने की सलाह की दौरान समाअत, जबकि साबिक स्पीकर असद कैसर के वकील नईम बुखारी ने अपने दलाइल दिए। जस्टिस मसूर अली शाह ने सवाल पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं बुखारी साहब, आप अकेले रह गए हैं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने ठीक है इकरामुल्ला जो ये आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।